हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.4 का प्रॉब्लम नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में क्या है, एक आपको टेरेस बिल्ड की गई है फुटबॉल ग्राउंड के पास, ठीक है। उसमें 15 स्टेप्स हैं, आप देखिए इस फिगर में 15 स्टेप्स हैं, ठीक है। और हर एक स्टेप की हाइट जो है 1/4 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो अगर हम ग्राउंड लेवल से बात करें तो फर्स्ट स्टेप की हाइट हो जाएगी 1/4, सेकेंड की क्या होगी ट्वाइस और 1/4, ठीक है। मींस 1/4 से हर एक स्टेप की हाइट इंक्रीज करेगी अगर ग्राउंड लेवल से बात करें। और लेंथ ऑफ जो ये है आपके, लेंथ ऑफ ईच स्टेप 50 मीटर की दी हुई है, देखिए इधर आपको 50 मीटर है। और विड्थ जो दी हुई है, और यहाँ क्या बोला है, ट्रेड ऑफ हाफ मीटर, मींस विड्थ ऑफ ईच स्टेप जो हो जाएंगे वो हाफ मीटर के हैं। तो हमें फाइंड करनी है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट कितना लगेगा इसे फॉर्म करने में, इसे बिल्ड करने में कितने वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट लगेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। लेंथ ऑफ ईच स्टेप, लेंथ ऑफ ईच स्टेप, ठीक है, ईच स्टेप कितना दिया हुआ है 50 मीटर, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेप्स हमें दिए हुए हैं 15, नंबर ऑफ स्टेप्स इक्वल टू 15 है, ठीक है। तो क्या होगा, हर एक स्टेप अगर हम ग्राउंड लेवल से लेते हैं तो एक वो क्यूबॉइड फॉर्म कर रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड अप्लाई करना पड़ेगा। चलिए पहले हाइट हम हर एक स्टेप की फाइंड कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ हाइट और ईच सक्सेसिव स्टेप्स, स्टेप्स इज कितने हो जाएंगे, पहले तो है आपके 1/4, ठीक है, सारे मीटर में है, इन मीटर यहां लिख लीजिए, इन मीटर 1/4, सेकेंड वाले जो है 2/4 हो जाएंगे, थर्ड आपके 3/4, तो टोटल है 15, तो लास्ट हो जाएंगे आपको 15/4, ठीक है। और विड्थ ऑफ ईच स्टेप आपको, और ट्रेड जो दी हुई है, ट्रेड ऑफ ईच स्टेप इज 1/2 मीटर, ठीक है। तो अब हम वॉल्यूम पे आते हैं, ये तो लिस्ट ऑफ हाइट है, लिस्ट ऑफ वॉल्यूम की बात करें ऑफ ईच स्टेप, लिस्ट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ईच सक्सेसिव स्टेप स्टेप इज कितनी हो जाएगी, देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। तो हाइट आपकी है 1/4 इंटू ब्रेथ, और विड्थ मतलब कि ट्रेड जो है आपकी 1/2, और लेंथ देखिए फिगर में 50 मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगी फर्स्ट स्टेप की वॉल्यूम। सिमिलरली अगर सेकेंड की बात करें तो सेकेंड की हाइट है हमारी 2/4 इंटू विड्थ, और लेंथ जो है सेम है सारी स्टेप की, इंटू 50, ठीक है। इसके नेक्स्ट हो जाएंगे आपके 3/4 इंटू 1/2 इंटू 50, और लास्ट जो है 15th नंबर, तो 15/4 इंटू 1/2 इंटू 50, ठीक है। थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, देखिए यहाँ सारे डायमेंशन मीटर में है, तो वॉल्यूम हमारा जो आएगा मीटर क्यूब में होगा, ठीक है। और यहाँ देखिए इसे अगर सिंपलीफाई करेंगे तो ये हमारे आ जाएंगे 25/4, 50/4, 75/4, और लास्ट जो है 375/4, ठीक है। विच इज एन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन विथ, फर्स्ट टर्म की बात करें a इक्वल टू 25/4, लास्ट टर्म हमारे l इक्वल टू 375/4, एंड नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ हमारे हैं 15, ठीक है। तो सम ऑफ हमें फाइंड करने है वॉल्यूम, तो s 15 इक्वल टू 15/2 इंटू a प्लस l, ठीक है। तो 15/2 फर्स्ट हमारे हो गए 25/4 प्लस 375/4,
फोर, तो ये आपके हो जाएंगे 15/2 इंटू 400/4, ठीक है, 100, तो 50 इंटू 15, तो 750 आ गए आपके टोटल वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब। हेंस टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट इज 750 मीटर क्यूब, यही हमारा आंसर हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 5 के सॉल्यूशन। बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट विजिट करें, प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।